आइए हम उत्तर मुगल काल के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर मुगल काल का समय था 1707 से लेकर 1707 से लेकर 1837 ईस्वी तक। इसे उत्तर मुगल काल क्यों कहा जाता है? तो इसे उत्तर मुगल काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंग्रेज के मृत्यु औरंगजेब के मृत्यु के बाद कोई भी इसके औरंगजेब के उत्तराधिकारी उतना योग्य नहीं हो पाया कि जिसकी वजह से क्या दिल्ली सल्तनत का और ज़्यादा विकास हो सके या मुगल काल का और ज़्यादा विकास हो सके। तो इसीलिए जो भी इसके बाद जो शासन आएगा वह उतना योग्य शासक नहीं आएगा और इन्हीं के शासन काल में क्या होगा कि मुगल वंश का बहुत तेजी से विनाश हो जाएगा और उस मुगल वंश पर और दिल्ली पर किसका अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा। तो इसीलिए इसे उत्तर मुगल काल कहते हैं। तो औरंगजेब के मृत्यु के बाद के समय को उत्तर मुगल काल कहा जाता है। उस अब आइए देखते हैं इसमें उत्तर मुगल काल में कौन कौन शासक हुए थे। और इस उत्तर मुगल काल में पहला शासक हुआ था जिसका नाम था बहादुर शाह जिसका शासन पीरियड था 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक। इसका मूल नाम था मुअज्जम जिसको औरंगजेब ने भेजा था बीजापुर को जीतने के लिए। सबसे पहले इसे मुअज्जम क्या होता है बीजापुर को जीत नहीं पाया था जिसके वजह से क्या हुआ था कि बीजापुर को जीतने के लिए स्वयं औरंगजेब को जाना पड़ा था। तो इसी वही उसके औरंगजेब के बाद अगला शासक कौन बना तो मुअज्जम बना था। तो इसी का ही मूल नाम था बहादुर शाह जिसका मूल नाम था मुअज्जम। इसे साहेब बेखबर कहा जाता था। इसे साहेब बेखबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे अपना साम्राज्य के बारे में ही उतना जानकारी नहीं था कि मेरा साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था जिसके वजह से इसे क्या कहा जाता है साहेब बेखबर कहा जाता है मुअज्जम को। और इसने क्या किया था कि यही एक ऐसा उत्तर मुगल काल में राजा था जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। इसके बाद से कोई भी उतना योग्य शासक नहीं होगा जिनके बारे में कुछ कहा जा सके अच्छा चीज। तो इसने क्या किया था कि जो चित्तौड़ के राजा थे जिनका नाम था राजा जय सिंह, यह क्या किया था कि राजा जय सिंह को सवाई का उपाधि दिया था, सवाई राजा का उपाधि दिया था। और इसके बाद यही काम किया था। उसके बाद से इसका मृत्यु हो गया था 1712 ईस्वी में। यह भी उतना कुछ काम खास नहीं किया था। उसके बाद से इसके बाद आया अगला शासक जिसका नाम था जहादार शाह। तो इसका शासन पीरियड था 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक। मात्र यह एक साल शासन किया था। और इसे क्या कहा जाता था जहादार शाह को, तो जहादार शाह को इसे लंपट मूर्ख कहा जाता था। तो लंपट मूर्ख इसे क्यों कहा जाता था क्योंकि यह जब दान देने में इतना ज़्यादा दान देता था कि जब यह दान देने बैठता था तो यह समझता था इसे यह नहीं समझ रहा था कि मैं क्या क्या दान देते थे। जो भी इसके पास रहता था जो ताज पहना रहता था सोना चांदी आभूषण बहुत ज़्यादा दान दे देता था। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है इसे लंपट मूर्ख कहा गया है। और इसे क्या कहा गया है लंपट मूर्ख। और इसे करके कि इसकी हत्या कर दिए सैयद बंधु का है कि यह इसकी जहादार शाह की हत्या कर देंगे और सैयद बंधु की सहायता से हत्या कर देंगे। और उसके बाद से सैयद बंधु क्या करेंगे सैयद बंधुओं का इतना ज़्यादा प्रकोप बढ़ गया था कि यह जिसे चाहेंगे उसे राजा बना सकते थे। तो इसलिए सैयद बंधुओं को राजा निर्माता भी कहा जाता है किनको सैयद बंधुओं को। अब ये जब यह मारा गया तो उसके बाद से अगला शासक बना फरूख सियर। तो फरूख सियर का शासन काल था 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक। फरूख सियर था ना जो सैयद बंधुओं के सहायता से शासक बना था। क्या हुआ था कि फरूख सियर क्या किया था कि जहादार शाह की हत्या कर दिया था जिसके वजह से इसे क्या किया था फरूख सियर को घृणित कायर कहा जाता था। क्योंकि यह राजा बनने के लिए क्या हुआ था कि जहादार शाह की हत्या कर दिया था। और जहादार शाह की हत्या किसके द्वारा किया गया था सैयद बंधुओं की सहायता से। यह क्या किया था फरूख सियर जहादार शाह की हत्या करा दिया था। इसने क्या किया था कि यही फरूख सियर को 1717 ईस्वी में इसे चेचक नामक एक रोग हो गया था। चेचक जो बड़ा बड़ा नहीं होता है माता जी, तो वही उसका रोग हो गया था चेचक, जिसका इलाज इसके दरबार में कोई नहीं कर पा रहा था जिसके वजह से इसका इलाज एक अंग्रेज था जिसका नाम था डॉक्टर हैमिल्टन। वही क्या किया था कि इसका फरूख सियर का इलाज किया और यह ठीक हो गया था, जिसके वजह से यह खुश होकर अंग्रेजों को क्या किया कि 1713 ईस्वी में इसने क्या किया कि 1717 ईस्वी में इसने क्या किया कि 3000 रुपया सालाना टैक्स लेकर और क्या किया कि अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने के लिए छूट दे दिया था, जिसे क्या कहा गया कि अब कह दिया कि जाइए जाइए आप लोग अब बंगाल पर आप स्वयं
व्यापार कीजिए, व्यापार करने के लिए छूट दे दिया, जिसके वजह से इसे क्या कहा जाए 1717 में दिया था, और जिसे इसे क्या कहा जाता है अंग्रेजों का मैग्ना काटा कहा जाता था। यह मैग्ना काटा इसलिए कहा जाता था कि इनको पूरे इसी से ही क्या होता बंगाल पर यह अपना राजस्व अंग्रेज का करेंगे, राजस्व वसूलने के इनका अधिकार मिल गया था। इसके पहले कोई भी शासक इनको अंग्रेजों को बंगाल में राजस्व वसूलने का अधिकार नहीं देता था, जिसके वजह से जैसे यह अधिकार दे दिया फरुखसिया जिसे जिसके वजह से इसे क्या कहा जाता है अंग्रेजों का मैग्ना काटा कहा जाता है। यह 1717 में दिया था, और उसके बाद इसने क्या किया था फरुखसिया एक और काम किया था कि अब फरुखसिया क्या किया था कि मराठों को छात्रपति का मान्यता दे दिया था, मराठों को क्या किया था छात्रपति कहा कि आज के बाद से जो मराठा साम्राज्य होंगे वह भी अपना राज राजा बना सकते हैं, और वो भी अपना राज्य बना सकते हैं, जिसके वजह से क्या है 1707 में इसे दे दिया था, 1717 में जिसे मराठों का क्या कहा गया था मराठों का मैग्ना काटा कहा गया। इसने दो ठो काम किया था इसने अपने शासन काल में, इसने पहला काम ये किया इसने अंग्रेजों को व्यापार करने के छूट दे दिया जिसे उसे अंग्रेजों का मैग्ना काटा कहा गया या कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ, और उसके बाद इसने क्या किया था कि 1717 ईस्वी में इसने मराठों को भी दे दिया कि आप अपना छात्रपति का मान्यता दे दिया था, जिसके वजह से वो क्या हुआ था कि इसने जिसे मराठों का मैग्ना काटा कहा जाता है, इसने ही काम किया था। उसके बाद से इसके बाद से अगला शासक आया मुहम्मद शाह, जिसका शासन पीरियड है 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक। इसे इस मुहम्मद शाह का मूल नाम था रोशन अख्तर इसका मूल नाम था। इसे क्या कहा जाता मुहम्मद शाह को इसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता, तो इसे रंगीला बादशाह क्यों कहा जाता है क्योंकि इसे नाच गाने का बहुत ज़्यादा शौक था। इसी रंगीला बादशाह को इसी के ही शासनकाल में क्या हुआ था कि दिल्ली का बहुत तेज़ी से बिखराव शुरू हो गया था। इसी के ही शासनकाल में क्या हुआ था कि इतना तेज बिखराव हो गया कि जो बंगाल में स्वतंत्र राज्य के स्थापना कर दिए मुर्शिद कुली खान, उसके बाद से अवध राज्य का स्थापना कर दिए जिनका नाम था शहादत खान। शहादत खान ने क्या कर दिया कि अवध अपना एक अवध को स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दिया। उसके बाद से एक और शासक था जिसका नाम था निजामुन मुल्क, वो क्या करेगा कि अपने को स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना कर देगा। तो इसी के ही शासनकाल में क्या होता दिल्ली के तीन ठो राज्य टूटकर अलग अलग एक स्वतंत्र राज्य बन गए। पहला बन गया बंगाल जो किसे मुर्शिद कुली खान ने बना दिया था, उसके बाद से अवध का निर्माण कौन कर दिया था शहादत खान ने कर दिया, उसके बाद से हैदराबाद का निर्माण कौन कर दिया तो निजामुल मुल्क ने क्या कर दिया हैदराबाद की स्थापना कर दिया। मुहम्मद शाह के ही शासनकाल में 1737 ईस्वी में मराठा साम्राज्य थे जिनका नाम था बाजीराव प्रथम क्या करेंगे कि दिल्ली पर आक्रमण कर देंगे मुहम्मद शाह को आक्रमण कर देंगे। उसके बाद से बाजीराव प्रथम दिल्ली से बहुत ज़्यादा धन लूट कर ले जाएगा, और उसके बाद से मुहम्मद शाह और उसके बाद से बाजीराव इन दोनों के बीच में संधि होगा जिसमें बाजीराव कहेगा कि जब भी दिल्ली पर कोई विदेशी आक्रमण करेगा तो मैं तुम्हारा साथ दे दूंगा। लेकिन यह साथ नहीं दिया कब जब 1739 ईस्वी में नादिर शाह जो क्या होते जिसे एशिया का नेपोलियन कहा जाता था, वो ईरान का रहने वाला था जिसे एशिया का नेपोलियन कहा जाता था नेपोलियन ई का किया नादिर शाह का किया कि 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। जब यह दिल्ली पर आक्रमण कर दिया मुहम्मद शाह के शासनकाल में, उसके बाद से जब मुहम्मद शाह बोला कि बाजीराव प्रथम से कि आप हमारी सहायता कीजिए, तो उस समय बाजीराव प्रथम इसकी सहायता नहीं किए थे मुहम्मद शाह। उसके बाद से इसने क्या किया था कि नादिर शाह क्या करेगा कि दिल्ली को पूरा लूट लेगा 1739 ईस्वी में, और उसके बाद से इसने क्या किया था कि इसने जो शाहजहां ने बनाया था मयूर सिंहासन को भी ये क्या करेगा नादिर शाह लूट लेगा, और उसमें क्या होगा कोहनूर रूरा वो सब उठा लेकर चला जाएगा कौन नादिर शाह 1739 ईस्वी में। इसलिए क्या कर मयूर सिंहासन पर अंतिम शासक यही था मुहम्मद शाह जो क्या होता मयूर सिंहासन पर बैठा था। उसके बाद से इसकी मृत्यु हो गई 1748 ईस्वी में मुहम्मद शाह, और अगला शासक बना अहमद शाह। तो अहमद शाह का शासन पीरियड है 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक। इसी के ही शासनकाल में क्या हुआ था कि अहमद शाह अब्दाली का किया था आक्रमण कर दिया था 1748 ईस्वी में, और क्या कहते पंजाब को कब्जा कर लिया था, और जो अहमद शाह के शासनकाल में क्या हुआ था पंजाब टूट कर अलग हो गया था। और उसके बाद इसने क्या किया था कि इसके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं बचता था अहमद शाह के बीच, तो यह क्या करता था कि अपने सैनिकों का वेतन देता था
कि मुगल साम्राज्य में जो भी वस्तुएं थी उनको बेचकर या सैनिकों का वेतन देता था, जिसके वजह से सैनिकों को पूरा वेतन नहीं मिल पाता था। अब क्या होगा कि सैनिक क्या होगा कि इसके खिलाफ विद्रोह कर दिए अहमद शाह के विरुद्ध जब सैनिक विद्रोह कर दिए तो यका के इसको सैनिक विद्रोह करके और इसे अंधा बना दिए, पूरे सैनिक मिलकर अहमद शाह को, और अंधा बनाकर क्या किया, इसे जेल में डाल दिए। उसके बाद से इसका भी मृत्यु हो गया था। उसके बाद से अगला शासक आया आलमगीर द्वितीय, जिसका शासन पीरियड था 1754 से लेकर 1759 ईस्वी तक। यह उतना योग्य शासक नहीं थे। इसी के हिसाब आलमगीर द्वितीय के शासन काल में क्या होता है, पलासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। इसी के ही शासन काल में आलमगीर द्वितीय के तरफ वह पलासी का युद्ध हुआ था, किसके, हेक्टर मुनरो और उसके बाद से सिराजुद्दौला के बीच। यह क्या करेगा कि हेक्टर मुनरो क्या किया था, सिराजुद्दौला को पलासी के युद्ध में पराजित कर देगा। उसके बाद से यह क्या करेंगे, अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने के लिए और सुनहरा मौका मिल जाएगा इसकी ही शासन काल में। उसके बाद से अगला शासक बना जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय। यह क्या हुआ था कि इसका शासन पीरियड था 1759 से लेकर 1817 ईस्वी तक था। यह शाह आलम द्वितीय का, इसके शासन काल में क्या हुआ था कि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच में हुआ था, तो मराठों और अफगानों के बीच में हुआ था। अफगान सेनापति का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो अहमद शाह अब्दाली कर रहा था। वो क्या करेगा कि पानीपत का तृतीय युद्ध में क्या करेगा कि यह मराठों को बहुत बुरी तरह से पराजित कर देगा, और उसके बाद से इसी मराठों को पराजित कर देगा अहमद शाह अब्दाली। उसके बाद इसी के ही शासन काल बक्सर का युद्ध होगा 1764 ईस्वी में। कई बार क्वेश्चन पूछा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि 1764 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय क्या किए, तिलगुट सेना का निर्माण किए थे। उस तिलगुट सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, एक शाह आलम द्वितीय था, उसके बाद से सिराजुद्दौला था, उसके बाद से मीर कासिम था। ये तीनों ने मिलकर क्या किया था, तिलगुट सेना का नेतृत्व किया था। और एक तरफ था अंग्रेजों के सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो कर रहा था। ये क्या करेगा कि तिलगुट सेना तीनों लोगों को पराजित कर देगा हेक्टर मुनरो, और हेक्टर मुनरो जैसे ही पराजित कर देगा उसके बाद से क्या होगा कि शाह आलम द्वितीय को बुलाएंगे और इलाहाबाद की संधि कराएंगे अंग्रेज। कब कराए थे इलाहाबाद की संधि, तो 1765 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ, और उसके बाद से 1765 ईस्वी में क्या करेंगे अंग्रेज, इलाहाबाद की संधि कराएंगे। इलाहाबाद की संधि के तहत क्या करेंगे कि अंग्रेज शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों को उड़ीसा, बंगाल और बिहार, ये तीनों को दीवानी यानी राजस्व वसूलने का अधिकार शाह आलम द्वितीय दे देगा। और उसके बाद से क्या करेगा, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना हो जाएगा। जैसे कि द्वैत शासन मतलब एक तरफ एक तो राजा का शासन होगा, और उसके बाद से बंगाल में क्या होगा कि अंग्रेजों का भी शासन होगा। तो इसीलिए यहीं से इलाहाबाद के संधि के तहत क्या होते बंगाल में द्वैत शासन का निर्माण हो गया था। उसके बाद से क्या हुआ, अगला शासक बना अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय बना, इसका शासन पीरियड था 1817 से लेकर 1837 ईस्वी को। अब ये क्या किया था कि यह अंग्रेजों को संरक्षण में बनने वाला पहला शासक था। क्या किए थे कि अंग्रेज क्या किए, इलाहाबाद के संधि के तहत वो क्या किए थे कि जो भी अब दिल्ली का राजा बनेगा उसे पेंशन भोगी बना देंगे, मतलब वो पेंशन देंगे, कहेंगे कि आप पूरे राज्य का आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, आपको सालाना इतना रुपया दे दिया जाएगा, वो फिक्स कर देते पेंशन। तो क्या कहते हैं, अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला राजा कौन था, तो अकबर द्वितीय था। इसका सबसे अच्छा संबंध था राम मोहन राय से। तो राम मोहन राय से क्या किए थे कि जो एक समाज सुधारक थे, ये राम मोहन राय को क्या भेजा था, अपना पेंशन बढ़वाने के लिए लंदन भेजा था कि जाइए आप हमारा पेंशन को बढ़वा दीजिए। क्या किए थे कि अब लंदन भेज दिया था, और यही क्या कहते वहीं पर राम मोहन राय की लंदन में ही मृत्यु हो गई। और इसके बाद से यह राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था, जिसके वजह से हम क्या कहते हैं कि राजा राम मोहन राय, यही राजा राम मोहन राय को। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिया था, अकबर द्वितीय ने दिया था। कई बार क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद से अगला शासक आया बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, जिसका शासन पीरियड क्या था 1817 से लेकर 1837 ईस्वी तक। यह क्या करता था कि यह राजा रहता था, लेकिन एक जाफर नाम का एक पत्रिका लिखा करता था, जिसके वजह से इसका नाम पड़ा बहादुर शाह जाफर। अब इसी के ही शासन काल में क्या होता है 1857 का विद्रोह हो गया था, जिसका प्रतीक चिन्ह का था रोटी और कमल था। और 1857 में क्या होता है विद्रोह हो गया था। अब वो सभी लोग क्या कहते हैं 1857 के विद्रोह का नेता बना दिए थे, किसको, बहादुर शाह जाफर को। जब ये बहुत बूढ़े हो गए थे, बूढ़े अवस्था में उनको क्या किया, इनको बना दिए थे नेता अपना। और वो क्या किया कि अंग्रेज क्या करेंगे कि
हुमायूं के मकबरा के बगल में छिपे थे दिल्ली में, बहादुर शाह जफर उनको पकड़ लेगा, बहादुर शाह जफर को अंग्रेज पकड़ लेंगे और इनके दो बेटों को बहादुर शाह जफर के सामने ही गोली मारकर हत्या कर देंगे जी। इसलिए करेंगे कि आज के बाद से कोई आगे जो किसी विद्रोह का नेतृत्व न करे, इसीलिए अंग्रेज क्या करेंगे इनके दोनों बेटों को बीच चौराहे क्या कर देंगे, गोली मार देंगे। उसके बाद से इन्होंने कहा क्या था कि बहादुर शाह जफर अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा दिए थे दिल्ली में, लेकिन ये इनका मकबरा क्या खाली रह गया। क्या करेंगे अंग्रेज बहादुर शाह जफर को पकड़ कर और रंगून जेल में भेज देंगे, रंगून जेल जो म्यांमार में था, तो वहाँ पर भेज देंगे और वह क्या करेंगे कि इनको जेल में बंद कर देंगे। वही जेल में क्या हो जाएगा, बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाएगी और इसका मकबरा का खाली के ही खाली रह गया था। तो उत्तर मुगल काल में बस इतने ही थे। उसके बाद से हम देखते हैं आगे, जैसे कि बाबर का मकबरा कहाँ है, तो बाबर का मकबरा तो पहले आगरा था, आगरा से कहाँ चला गया, काबुल चला गया था, और उसके बाद से हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद से जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, और अनारकली का भी मकबरा कहाँ है, लाहौर में है। उसके बाद से अकबर का मकबरा कहाँ है, तो सिकंदराबाद में है। उसके बाद से शाहजहाँ का मकबरा आगरा में है, और उसके बाद से औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में। अब अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में।